हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के अंदर गेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे। साल 2003 में ये क्वेश्चन आया था। देखो, जिसने अगर प्रीवियस वीडियो देखी हो उन गेट्स के प्रीवियस ईयर की, तो इससे बिल्कुल मिलता जुलता हमने क्वेश्चन लास्ट टाइम किया था, जहाँ पे हमने यही क्वेश्चन देखा था और इसका आधा पार्ट हमने सॉल्व किया था। आज हम ये देखेंगे कि इसका इसी वैरायटी पे क्वेश्चन आया हुआ था वो क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या चीज़ दी गई है कि दो कॉन्क्यूरेंट प्रोसेसेस हमें दिए गए हैं, पी एंड क्यू। अब यहाँ पे वो बोलता है कि हमें इनको सिंक्रोनाइज करना है, जिसको सिंक्रोनाइज करने के लिए ये दो बाइनरी सेमाफोर को यूज़ करते हैं। दो बाइनरी सेमाफोर है हमारे पास, एस एंड टी, ठीक है जी। अब वो बोलता है कि पी एंड क्यू का जो हमारे पास कोड गिवन है वो ये है। जैसे कि लास्ट वीडियो में देखा था, पी क्या प्रिंट करता है 00, और यहाँ पे क्यों क्या प्रिंट करता है 11। अब बात यहाँ पे आती है, वो कहता है कि सिंक्रोनाइज स्टेटमेंट जो भी होगी वो सिर्फ आप डब्ल्यू एक्स वाई जेड प्लेस पे ही डाल सकते हैं। डब्ल्यू जेड एक्स वाई प्लेस कौन से हमारे पास, पी की कोडिंग में देखोगे तो हमारे पास स्टार्टिंग और एंड में डब्ल्यू एक्स दिया हुआ है, और क्यू प्रोसेस के अंदर स्टार्टिंग और एंड में वाई जेड दिया हुआ है। ओके, तो जो भी हमारे पास एस एंड टी से रिलेटेड जो भी ऑपरेशन होंगे उसको आप डब्ल्यू एक्स वाई जेड प्लेस पे ही डाल सकते हो। वो ये कहता है कि जो ऑप्शन हमें गिवन है यहाँ पे दिए गए हैं, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग विल एंश्योर दैट, कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ये एंश्योर करेगा हमेशा कि आउटपुट स्ट्रिंग जो आएगी वो कभी भी क्या कंटेन ना करे। देखो, वो क्या कभी कभी कंटेन ना करे, इसको याद रखना। क्या चीज, 0 1 रेज़ टू पावर n, 0 की फॉर्म, या 1 0 की पावर n की 1 देन 1, जिसमें क्या बताया गया कि n क्या है मेरे पास, ओड। अगर इसको देखो एक्सपेंड करें हम ये, तो n क्या है, ओड। n ओड का मतलब क्या हो गया मेरे पास कि इसकी वैल्यू 1 3 या 5 ऐसे ही चलेगी। अगर ये इस तरीके से चलती है तो ये चीज देखते क्या देगी हमें आउटपुट, 0 1 की पावर n देन ये, और अगर 3 होगी तो 0, ये 3 बार आ जाएगा 1 देन 0। इस तरीके का आउटपुट नहीं आना चाहिए, मतलब इस तरीके की सबस्ट्रिंग नहीं आनी चाहिए। देन अगर हम ये निकाल ले तो n की पावर 1, ठीक है, n की पावर 1 होगी तो क्या होगा, 1 0 1। ओके, अब अगर 3 होगी तो 1 0 0 0 1, इस तरीके का आउटपुट नहीं आना चाहिए। जिसका मतलब अगर आप इसको थोड़ा सा अगर फोकस करो तो हमारे पास जैसा पिछला केस था वहाँ पे स्ट्रिक्टली क्या चीज़ थी, पहले चलेगा पी देन क्यू देन पी देन क्यू, मतलब स्ट्रिक्ट ऑल्टरेशन वे में था। ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसको करने का तरीका क्या निकाले इसको देखते एक बार। पहले देखते क्या एस और टी की वैल्यू एग्जैक्टली कुछ मिल सकती है हमें, जैसे पिछले केस में मिली थी। तो यहाँ पे देखोगे एस एंड टी 1 है, इस केस में भी दोनों 1 है, यहाँ पे सिर्फ एस को लिया गया है 1 पे और एस एंड टी इनिशियली 1। मतलब कि हमारे पास स्टार्टिंग में मुझे एक वैल्यू तो मिल गई कि एस की हमेशा 1 रहेगी। ओके, देन देखते हैं डब्ल्यू एक्स वाई जेड में ऑप्शन में से कुछ हमें मिलता है। डब्ल्यू में हमेशा हमेशा देखोगे तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि हमेशा सेम रहे, एक्स में भी कोई चीज़ सेम नहीं है, वाई में देखोगे तो पीटी देन पीएस चेंज हो गया, इसमें भी लेने का फ़ायदा नहीं। देन जेड में देखेंगे वीटी देन वीएस, मतलब चेंज हो रही है। तो हमारे पास कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं आ पा रहा कि हम डब्ल्यू एक्स और वाई जेड में कुछ रखें। कोई बात नहीं, अगर मेरे पास स्ट्रिंग, इसमें से एक चीज़ सोचते हैं अगर हम, ठीक है, कि मेरे पास स्ट्रिंग अगर ऐसी आ जाए, कैसी, इसको अगर 0 0 1 1 0 0, तो कोई मैच हो रही है यहाँ पे, इनमें से देखोगे तो कोई मैच नहीं हो रही, क्योंकि इसके बाद मेरे पास 1 1 आ जाएगा, ठीक है जी। तो कुछ ऐसा करते हैं और इसको रन करते हैं कि हमारे पास ये फंडा थोड़ा सा बने। बट करने का तरीका क्या है, हर ऑप्शन को पकड़ो और क्या करें, इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे कि हाँ ये चीज़ लाएंगे हम, ये चीज़ अगर मैं ले आया इन ऑप्शन से तो उस ऑप्शन को हम क्या करेंगे, रॉन्ग कर देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन लेते हैं 1, ए ऑप्शन के अंदर क्या होगा कि मुझे W की जगह क्या रखना है, PS, और V और X की जगह VS, ओके, देन PT एंड VT, यहां पे आ गया PT और यहां पे आ गया VT। मतलब मैं कोशिश करूंगा कि इस तरीके का आउटपुट ले आऊं, मतलब यहां पे अगर मैं ये लाना चाहूं 0 के बाद 1, तो यहां से प्रिंट करा के अगर मैं यहां पे आ गया और देन दोबारा आ गया
तो ये ऑप्शन मेरे लिए गलत हो जाएगा। ठीक है जी, तो यही करेंगे हम। इनिशियली इसकी वैल्यू क्या है, एस की वन और टी की वन, तो हम इसको रन करते हैं। हम ये कोशिश करेंगे, ये लाते हैं हम, पी एस ने डाउन किया इसको, ओके, और प्रिंट कराया जीरो को। जीरो प्रिंट कराने के बाद मैंने प्रिंट कराया, प्रिंट कराने के बाद पी टी को डाउन करना, पी टी हो गया जीरो। जीरो होने के बाद मैंने यहाँ पे कर दिया वन प्रिंट कराया, यहाँ से कराया प्रिंट। प्रिंट कराने के बाद दोबारा ये यहाँ पे कंटिन्यू करेगा और ये जीरो प्रिंट कर सकता है। अगर ये जीरो प्रिंट कर सकता है तो मतलब ये सबस्ट्रिंग बनेगी। अगर ये सबस्ट्रिंग बन रही है तो मेरे लिए ये ऑप्शन ऑलरेडी गलत हो गया। ठीक है जी, तो इस ऑप्शन पे नहीं जाते, अगला ऑप्शन लेते हैं, जहाँ पे ऑप्शन बी के अंदर हम देखते हैं कि क्या इनिशियली वैल्यू गिवन है। एस एंड टी की वन, एस की वन, टी की वन। एलिमिनेशन से ये चीज़ आपकी बहुत जल्दी हो जाएगी। डब्ल्यू पे पी एस, देन मेरे पास वी टी, यहाँ पे आ गया वी टी, देन इसके अंदर है पी टी, सेम है, देन वी एस। ठीक है जी, अब इसको देखते हैं क्या ये ऑप्शन चल पाएगा। कोशिश करेंगे इस तरीके का एक के बाद एक ला सके। तो इसमें देखते हैं कि दोनों वन गिवन है, पी एस चलाते, पी एस चलाएगा तो ये इसको डाउन करेगा, डाउन करेगा तो जीरो प्रिंट आ गया। जीरो प्रिंट के बाद क्या मैं यहाँ से प्रिंट करा के इसको ला सकता हूँ, पी टी, पी टी को रन किया, पी टी रन हुआ तो क्या मिलेगा मुझे, जीरो। और मैंने किसको प्रिंट करा दिया, यहाँ पे वी को, ठीक है जी, वन को यहाँ पे प्रिंट करा के क्या मैं वापसी यहाँ पे आ सकता हूँ, बिल्कुल आ सकता हूँ जी। मतलब मेरी स्ट्रिंग ये मिल रही है मुझे इस केस में भी, तो क्या फ़ायदा हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये मेरे लिए भाई ये ऑप्शन भी गलत है। ठीक है जी, आगे चलते हैं तीसरे ऑप्शन की तरफ, जहाँ पे हमें क्या गिवन है कि स्टार्टिंग में वैल्यू एस की इनिशियली वन होगी, यानी कि मेरे पास टी तो है ही नहीं, टी तो है ही नहीं भाई, एस की वैल्यू वन है, टी है ही नहीं। और ऑप्शन क्या है, यहाँ पे पी एस, देन वी एस, ओके, देन पी एस वाई की जगह और जेड की जगह वी एस, वी एस है। अब इसको रन करते हैं और देखते हैं कि क्या हम प्रिंट करा के इसको ऐसा कोई ला सकते हैं सबस्ट्रिंग या नहीं। पी एस इसको रन किया, देखो इसको रन किया तो ये हो गया जीरो, और मैं क्या प्रिंट करा सकता हूँ, जीरो, ओके। जीरो के बाद मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया और वन लाना है मुझे, वन कैसे लाऊंगा, यहाँ पे जाके अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो पी एस को करूँगा तो पी एस तो मेरा ऑलरेडी जीरो है, जीरो करूँगा तो ये भाई ये तो ब्लॉक हो जाएगा, कौन क्यों मेरा ब्लॉक हो जाएगा यहाँ पे, कहाँ पे, एस पे, तो ये आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, तो उसको भाई मजबूरी में यही आना पड़ेगा और क्या प्रिंट करेगा, जीरो। जीरो प्रिंट करने के बाद इसको इसे अप करना पड़ेगा, अप करेगा तो दो ऑप्शन बचते हैं, ठीक है, जीरो के बाद इसको अप करेगा तो दो ऑप्शन बचते हैं, या तो इसको रन कर लो दोबारा या यहाँ पे चले जाओ, मर्जी है। अब देखते हैं कि ऐसा क्या होगा, देखो अगर ये ब्लॉक हुआ हुआ है तो क्या होगा, चांस इसी को मिलेगा, चांस इसको मिलेगा तो क्या होगा, पहली चीज़ ये अप ही नहीं होएगी, मैंने गलत लिखी थी ध्यान रखना, ये अप ही नहीं होएगी, इसको चांस मिलेगा और ये क्या करेगा, ये रन करेगा अपने वन वन स्टेटमेंट को, यानी वन वन, ठीक है जी, वन वन को प्रिंट कराने के बाद ये इसको अप करेगा, अप करेगा तो ये वन हो गया, वन के बाद या तो ये रन हो जाए या ये रन हो जाए, मतलब या तो मुझे वन वन मिल सकता है या मुझे यहाँ पे इसकी जगह दोबारा पूरा रन होने के बाद यहाँ पे मुझे ऐसे स्ट्रिंग मिल सकती है, कुछ भी मिल सकता है, मतलब इस तरीके का। अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो क्या मिलेगा आपको एग्जैक्टली कि भाई ये चीज़ें तो कहीं पर मैच नहीं कर रही, या तो बीच में ये वन एक बार आएंगे या तीन बार आएंगे, ऐसा तो कहीं पे भी नहीं हो रहा, ये तो गुच्छों में आ रहे हैं, तो दो हो रहे हैं, चार हो रहे हैं, छः होएंगे, आठ हो जाएंगे, सेम वन के लिए भी यही चीज़ है, तो मेरे लिए ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ओके जी। अब ऑप्शन डी को भी चेक कर लेते कि क्या डी भी हमारा बिल्कुल रॉन्ग साबित हो भी पा रहा है या नहीं हो पा रहा, ठीक है, एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। आइए, डी क्या कहता है कि हमारे पास डब्ल्यू की जगह क्या जाएगा, वी एस, ओके, देन वी टी, वाई की जगह क्या जाएगा मेरे पास, वाई की जगह जाएगा पी एस, और जेड पे क्या जाएगा, पी टी, ठीक है जी। अब वो क्या बोलते हैं, एस और टी दोनों लेने और इनकी इनिशियली वैल्यू क्या है आपके पास, वन। अब हम क्या करेंगे, ये चीज लाने की कोशिश करते हैं, ये आनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक था। देखो
सबसे पहले VS तो ओपन ही है, अगर ओपन ही है तो मैं प्रिंट करा सकता हूँ 0। 0 के बाद यहाँ पे प्रिंट कराया और क्या होगा, 0 के बाद प्रिंट कराऊंगा PS। PS आएगा, PS क्या करेगा, इसको डाउन कर सकता है, नहीं कर सकता, तो दोबारा मेरे को कहाँ पे आना पड़ेगा, यहाँ पे, और मैं क्या करा सकता हूँ, 0 प्रिंट करा सकता हूँ। 0 प्रिंट कराने के बाद देखो ये क्या करेगा, T को 1 कर देगा, T तो ऑलरेडी 1 है, क्या फ़ायदा हुआ, कोई नहीं। देन मैं इस पे आया, क्या मैं इसको रन कर सकता हूँ दोबारा, भाई रन कब करूँगा, जब ये क्या होगा, ऑन होगा तभी तो मैं इसको रन कर सकता हूँ, अदरवाइज तो कर ही नहीं पाऊँगा। कोई बात नहीं, हम केस उल्टा कर लेते हैं, बच्चे कई बार गलती यही करते, इसको रन कर देते, इसको रन कर लेते, कोई बात नहीं। इसने डाउन किया पी एस ने, ठीक है, एस को डाउन किया, 1 हो गया। 1 होने के बाद ये क्या प्रिंट करा रहा है, 1 के बाद मैं क्या लाना चाहता हूँ, 0, क्या 0 आ पाएगा देखते हैं। VS ऑन है, मतलब इसको हम अप कर देंगे, अप करने के बाद 0 के बाद मैं क्या करना है, मुझे 1 लाना है, क्या मैं 1 ला सकता हूँ, यहाँ पे चल के देखते हैं। 1 लाने के लिए मुझे यहाँ पे प्रिंट करना पड़ेगा, कंटिन्यू करेंगे तो मेरे पास ये चीज़ तो आ गई, तो ये चीज़ आ गई तो मेरा भाई ये ऑप्शन भी तो गलत हो गया, ठीक है जी। तो इस तरीके से मेरे पास आंसर फाइनली क्या आएगा, सी। तो देखो ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, जैसे लास्ट टाइम भी किया है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बदल जाएंगे, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 0 के बाद 1 कर दे, यहाँ पे 1 के साथ 0 दे दे, कुछ भी, मतलब उनके मूड के ऊपर है, कुछ भी। आप अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करो कि यहाँ पे क्या चीज़ है, ऑड की जगह इवन दे देंगे तो क्या अप्रोच रखनी है। मेन चीज़ है कि क्वेश्चन ऐसे निकालना कि हमें पहले, सबसे पहले ऑप्शन से जितनी चीज़ें मिल सकती है उसको लो, अगर नहीं मिलती तो देन ऑप्शन वाइज चलते जाओ और एक एक चीज़ को रॉन्ग प्रूफ करो, मतलब एलिमिनेट करते जाओगे तो आपका आंसर इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन जो 2003 में गेट के अंदर आया हुआ था, बाइनरी सेमाफोर को यूज़ करते हो, इसे कर लीजिए। और इसके अलावा और भी क्वेश्चन करेंगे जो आते हैं, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, जैसे भी है उनको ट्राई करेंगे, देन देखते हैं कि कैसे कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।